कार बच्चों बच्चों आज हम कर रहे हैं रिवीजन पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर वन चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। जो हमारी ये बुक है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडिया को इंडिपेंडेंस के बाद कौन कौन से चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, दैट वी आर गोइंग टू फोकस इन दिस चैप्टर एंड द नेम इज चैलेंजेस ऑफ नेशन बिल्डिंग। वी आर गोइंग टू डू द रिवीजन ऑफ दिस वन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हमारा इंडिया फ्री हुआ, ये हमने पहले भी जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो रिवाइज किया था, वी हैव फेस्ड सो मैनी चैलेंजेस। जब हम इंडिया फ्री हुआ तो उसके साथ ही हमने बहुत सारे चैलेंजेस को फेस किया, जिनमें कौन कौन से थे, टू शेप द नेशन। एक नेशन को शेप करना, कौन सा नेशन जिसमें बहुत सारी डाइवर्सिटी है, बहुत सारे अलग अलग रीजन के कास्ट के लोग हैं, उनको एक पर्टिकुलर एरिया में यूनिफाई करना, शेप करना, दैट वॉज द मेन चैलेंज। फिर क्या था, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी, क्योंकि हमने कहा कि डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट सिस्टम। और जब हमने नाम की बात की थी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की, वी वर सेपरेट फ्रॉम दोज टू ग्रुप्स, तो हमें अपनी पर्टिकुलर इंडिया में व्हेन वी गॉट द इंडिपेंडेंस, हमें अपनी एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्रिएट करना था, दैट वॉज द मेन चैलेंज। एंड इंश्योर डेवलपमेंट ऑफ एंटायर सोसाइटी, सभी के वेलफेयर के लिए वर्क करना, जिससे हमारा इंडिया जो कि उस समय बहुत वर्स कंडीशन में था, पुअर था, वो डेवलप हो पाए, वहाँ के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाना। तो थ्री चैलेंजेस कौन कौन से थे आपके, टू शेप द नेशन, टू establish democracy and to create the condition for the development of all. ऐसी opportunities को create करना so that each and every one can be developed there. Now coming to the next one. अब ये तो हुआ, but हम free कैसे हुए, तो free होने के लिए there was a theory of two nation theory. Muslim League Muhammad Ali Jinnah, they put the proposal in front of the Congress that there must be two nations. दो nation बने, two nation theory क्या कहती है, कौन कौन से नेशन बनेंगे, इंडिया एंड द पाकिस्तान, टू नेशंस मस्ट बी फ्रेम्ड, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड द एरियाज विच आर हैविंग इन मुस्लिम मेजोरिटी दे शुड बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, द एरिया विच आर हैविंग द हिंदू मेजोरिटी दे शुड बी द पार्ट ऑफ हिंदुस्तान और द इंडिया। तो इस तरह उन्होंने कहा कि इंडिया फ्री तो हो बट इट शुड बी डिवाइड द टू पार्ट। अब क्या होगा उसके लिए, उसमें हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा कि जब हमारा पार्टीशन हो रहा है कि व्हाट सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स वी हैव फेस्ड। नंबर वन, देयर वाज नो सिंगल बेल्ट ऑफ मुस्लिम्स। अब ऐसा नहीं था कि मुस्लिम्स का एक पर्टिकुलर एरिया जहां मुस्लिम्स ही रह रहे हैं, तो मीनवाइल सम माइनॉरिटीज ऑफ हिंदूज एंड सिक्स वर आल्सो देयर, तो सारे मुस्लिम वहां रह रहे हों ऐसा कोई एरिया नहीं था। देन द अदर वन, नॉट ऑल मुस्लिम्स वॉन्ट टू बी इन पाकिस्तान, और जो मुस्लिम रह रहे थे, द पीपल दोज वर लिविंग इन द पर्टिकुलर एरियाज, दे ऑल डू नॉट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, वो सभी पाकिस्तान का पार्ट बनना ही नहीं चाहते थे। नंबर थ्री, नॉट देन द पंजाब एंड बंगाल नॉन मुस्लिम इन मेजोरिटी, और पंजाब और बंगाल का वो एरिया दैट वॉज इन द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जहाँ पे माइनॉरिटीज जो थी वो अपने आप में मेजोरिटी में थी, लाइक नॉन मुस्लिम जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे, हिंदू और सिख जो कि अभी पाकिस्तान में आ गए थे। देन माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड, अब दोनों तरह की तरफ की जो माइनॉरिटीज हैं उन्हें कैसे सेटिस्फाई करना है, उनके ऑक्यूपेशन के लिए कैसे वर्क करना है, उन्हें कैसे एक साथ लेके चलना है, जबकि वो रीजन जो होगा पूरा या तो हिंदू मेजॉरिटी का होगा या मुस्लिम मेजॉरिटी का होगा, तो उस पर्टिकुलर रीजन को हम कैसे साथ लेके चलें, उन्हें हम कैसे कोऑर्डिनेट करके चलें, दैट वॉज अ मेन इशू। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, तीन चैलेंज क्या थे, टू शेप द नेशन, टू एस्टैब्लिश डेमोक्रेसी एंड टू क्रिएट द पर्टिकुलर नेशन विच शुड बी डेवलप द सिचुएशन ऑफ वेलफेयर ऑफ ऑल। फिर हमने बात करी पार्टीशन की, क्या थी वो, टू नेशन थ्योरी, कौन कौन से दो राष्ट्र बनेंगे, इंडिया एंड पाकिस्तान, एंड इट वॉज गिवन बाय मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ने दिया इसको और कहा कि दो पार्ट बनेंगे, क्या इशू आए हमारे कि एक पूरी सिंगल बैंड मुस्लिम की नहीं थी, ऑल मुस्लिम डू नॉट वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान, एंड पंजाब एंड बंगाल में नॉन मुस्लिम जो लोग थे वो मेजॉरिटी में थे। देन माइनॉरिटीज ऑन द बोथ साइड, दोनों तरफ माइनॉरिटीज थी, कुछ हिंदू थे वहाँ, कुछ मुस्लिम्स थे। नाउ कमिंग टू द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द पार्टीशन, पार्टीशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेज हुए, कितना वर्स रहा, तो एक कम्युनल जोन बन गया। कम्युनल जोन मतलब लड़ाई हुई किन किन के बीच में, हिंदूज एंड मुस्लिम्स के बीच में राइट्स हुए, स्पेशली कहाँ पे हुए थे, अमृतसर एंड कोलकाता, अमृतसर कोलकाता जो कैलकाटा कहलाया पहले का, वहाँ पे राइट्स हुए, रिफ्यूजी कैंप्स लगे। सपोज जो लोग यहाँ पे इंडिया में पर्टिकुलर रह रहे थे, घर था, नाउ दे हैव बिकम द पार्ट ऑफ द पाकिस्तान,
पाकिस्तान का पार्ट बन गया, तो वो अपने ही घर में रिफ्यूजी हो गए, उनको अपना घर डिस्प्लेस करके वहाँ जाना, दूसरी जगह जाना पड़ा। दैट्स हमने जब चैप्टर फर्स्ट टाइम पढ़ा था तो हमने एक मूवी का जिक्र किया था जिसमें हमने देखा था कि पार्टीशन के बेस पे वो मूवी नहीं गदर, जिसमें कैसे लोग जो माइग्रेट होके एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं एंड दे फेस सो मच वायलेंस देयर, बहुत सारी वायलेंस को फेस कर रहे हैं एंड दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ द राइट्स ऑल्सो। सो इट वॉज कॉल्ड कि दैट इज इट इज़ द डिवीजन ऑफ हार्ट्स, कि पार्टीशन जो है वो डिवीज़न कंट्रीज़ का ही नहीं, डिवीज़न ऑफ हार्ट है, बिकॉज इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो हिंदुस्तान में रह रहा है, इंडिया में रह रहा है, दे वर नॉट हैविंग द गुड फीलिंग फॉर द मुस्लिम्स। कई ऐसे लोग भी थे जो आपस में गुड रिलेशंस को मेंटेन कर रहे थे। तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान का जो पार्टीशन था, इट वॉज कॉल्ड डिवीज़न ऑफ हार्ट। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा बच्चों, कि जो चैलेंजेस जो थे हमने उसके बारे में पढ़ा, उसके अलावा हम जब कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ रहे हैं तो देख रहे हैं कि बहुत सारे राइट्स हुए थे, रेप्स हुए थे, बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे जिससे कि पीसफुल मैनर में जो इंडिया था वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। तो इट वॉज द ग्रेट वेरी बिग इंसिडेंट ऑफ दैट टाइम। नाउ खान अब्दुल गफ्फार खान, जो फ्रंटियर गांधी के नाम से कहलाए, एंड ही प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, ही डिडंट वांट टू मेक टू नेशन के अगेंस्ट थे, और इन्होंने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया और ये फ्रंटियर गांधी कहलाए। अब प्रिंसली स्टेट्स के बारे में क्या होगा, अब इंडिया और पाकिस्तान तो फ्री हो गए, बट जब ब्रिटिशर्स ने इंडिया को फ्री किया, सो देयर वॉज द प्रॉब्लम ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जिन पर जो प्रिंस थे, जो राजा थे, वो राज तो कर रहे थे बट देवर हैविंग फ्रीडम इन देयर इंटरनल अफेयर, बट सुप्रीमेसी जो थी दैट वॉज ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट। कुछ इंटरनल अफेयर में वो फ्री थे, बाकी सुप्रीमेसी जो थी वो ब्रिटिश गवर्नमेंट की थी, दैट्स वाई दीज प्रिंसली स्टेट्स का जो इशू था वो आगे आया। अब क्या हुआ कि जैसे ही ब्रिटिश अम्पायर का इंडिया से लैप्स हुआ, इंडिया से उनका रूल ख़त्म हुआ, देन आफ्टर इंडिपेंडेंस क्या हुआ, पैरामाउंटेंसी ऑफ ब्रिटिशर्स लैप्स्ड। अब ब्रिटिशर्स का जो होल्ड था, जो उनका डोमिनेशन था, वो भी ख़त्म हुआ और 565 जो स्टेट थे वो इंडिपेंडेंट हो गए, 565 प्लेसेस थे वो इंडिपेंडेंट हो गए। अब जब वो ब्रिटिश सुप्रीमेसी से इंडिपेंडेंट हो गए, नाउ देयर वॉज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ देम वेदर टू ज्वाइन इंडिया और टू ज्वाइन पाकिस्तान और टू रिमेन फ्री, क्या वो पाकिस्तान को ज्वाइन करें या वो इंडिया को ज्वाइन करें या वो फ्री रहें। दिस वॉज द क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ द पर्टिकुलर लीगली इंडिपेंडेंट स्टेट विच वर 565। अब उसके जो मेन स्टेट थे जैसे हैदराबाद, हैदराबाद में निज़ाम क्रिएटेड इशू, उसके बाद जो इंडियन गवर्नमेंट थे उनके बार बार इंटरफेरेंस के बाद में निज़ाम जो थे उन्होंने हैदराबाद को इंडिया में मर्ज किया। मणिपुर में जो बोधा चंद्र वहाँ के राजा थे, द राजा ऑफ मणिपुर वॉज बोधा चंद्र, उन्होंने भी कहा कि दे विल जस्ट एक्सेप्ट द सुप्रीमेसी ऑफ इंडियन गवर्नमेंट बट दे विल हैव टू मेंटेन सम फ्रीडम इन देयर इंटरनल मैटर्स, कुछ इंटरनल मैटर में वो अपनी फ्रीडम को मेंटेन करेंगे, दैट वॉज टोल्ड बाय द बोधा चंद्र। देन स्टेट के लिए रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट के लिए एफर्ट हुआ और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना 1953 में। अब बात और भी आई कि क्या लैंग्वेज के अकॉर्डिंग स्टेट को बनाया जाए या स्टेट की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, स्पेशली इट वॉज इन द केस ऑफ आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, ये जो आपके साउथ के स्टेट थे, देवर क्रिएटिंग द इशू कि उनको भी अलग पर्टिकुलर स्टेट का दर्जा दिया जाए। तो क्या किया गया, एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन बना जो उन पर्टिकुलर रीजन के इशूज को ऑब्जर्व कर रहा था और उनको ऑब्जर्व करके देवर गिविंग द स्टेटस ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स टू द वेरियस वंस 1953 में बना था, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो एक्ट था वो पास हुआ 1956 में। 1956 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पास हुआ जिसमें आपके उस समय हमारे बने थे 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज। दैट टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरीज फ्रेम की गई स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन में जो आपका बहुत मेन रोल रहा वो किनका रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा। सरदार वल्लभ भाई पटेल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रीऑर्गेनाइजिंग सो मेनी स्टेट, बहुत सारे स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का भी रोल रहा। आपने देखा होगा जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बना है, वो क्यों बना है, यूनिटी किस चीज़ की, कि पूरी कंट्री के जो बिखरे हुए जो स्टेट्स हैं उनको एक कंट्री के रूप में यूनाइटेड करना और उनको प्लेस देना, दैट वॉज द मेन इशू ऑफ दैट टाइम। सो इट वॉज लाइक दैट।
तो आप बच्चों एक बार दोबारा देखें, हम इस पूरे चैप्टर के मेन पॉइंट्स को हमने टच किया है। स्टिल जब आप रिवीजन करते हैं, एमसीक्यूज के लिए प्रिपेयर करते हैं, तो आपको पर्टिकुलर टर्म्स के बारे में, ईयर के बारे में, राजा कौन थे, निज़ाम कौन थे, उनके पर्टिकुलर कोई पिक्युलरिटीज़ हैं उनके बारे में प्रॉपर पढ़ना और अंडरलाइन करना चाहिए। अभी हमने पढ़े 3 नेशन बिल्डिंग के चैलेंजेस, देन व्हाट वाज द प्रॉब्लम आफ्टर 2 नेशन थ्योरी, जब 2 नेशन बने कैसे इश्यूज आए कि सब लोग मुस्लिम जो थे वो एक ही बेल्ट में नहीं थे, सभी मुस्लिम्स पाकिस्तान का पार्ट नहीं होना चाह रहे थे, पंजाब और बंगाल में नॉन मुस्लिम मेजोरिटी थी और माइनॉरिटी जो दोनों तरफ थी दे वर हैविंग द इशूज। देन व्हाट हैपेंड माइनॉरिटीज के साथ में, फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ, कम्युनल जोन बन गया क्या अमृतसर और कोलकाता, वहाँ पे कम्युनल राइट्स हुए, अपने अपने धर्म को लेकर हिंदूज और मुस्लिम्स को लेकर राइट्स हुए, एंड महात्मा गांधी वॉज रियली वेरी मच अनॉयड। क्यों अनॉयड थे, क्योंकि ही वॉज द फॉलोअर ऑफ नॉन वायलेंस एंड ही वॉज सीइंग लाइक दिस, उनको कंट्री का इस तरह का डिवीजन देखने को मिला। देन हमने देखा कि जो प्रिंसली स्टेट्स थे, प्रिंसली स्टेट्स जिन पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अधिकार कर रखा था, बट कुछ मैटर्स में वहाँ के प्रिंसेस को फ्री कर रखा था कि दे आर फ्री टू टेक द डिसीजन इन देयर इंटरनल मैटर्स, दे क्रिएटेड द इशू। देन अब क्या किया जाए, ये जो 565 जो लीगल स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए थे ब्रिटिश डोमिनेंस से, वो कहाँ जाएंगे, तो मेन जो आपके स्टेट्स थे, हैदराबाद के निज़ाम हो गए, बोधा चंद्र जो हो गए मणिपुर के, ये सब धीरे धीरे इंडिया में मर्ज हुए, बट बाकी जो स्टेट्स हैं उनको कैसे मर्ज किया जाए, दैट वाज द बिग इशू। एंड सम स्टेट्स वर डिमांडिंग फॉर द सेपरेशन ऑन द बेसिस ऑफ द लैंग्वेज, लैंग्वेज के अकॉर्डिंग सेपरेशन की बात कर रहे थे, तो उनके लिए क्या किया जाए, तो हमारा स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन जो कमीशन था वो 1953 में सेटअप हुआ, एंड हु प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वॉज पास इन 1956, जिसमें क्या बने, 14 स्टेट्स बने और 6 यूनियन टेरिटरीज बनी। सो दिस इज द होल ग्लिम्स ऑफ द चैप्टर। चैप्टर आप पूरा थॉरली रीड करें, एमसीक्यूज आपको सॉल्व करने हैं, तो एमसीक्यूज को फोकस करते हुए कि व्हाट सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस कैन बी देयर, लाइक 3 चैलेंजेस कौन कौन से थे, शेप द नेशन हो गया, डेमोक्रेसी हो गया, वेलफेयर वर्क क्या आपका डेवलपमेंट हो गया, 2 नेशन थ्योरी वॉज गिवन बाय द मुस्लिम लीग हो गई, 2 नेशन कौन कौन से थे, इंडिया एंड पाकिस्तान थे, एंड लाइक कॉन्सिक्वेंसेस में कम्युनल जोन कौन से बने, अमृतसर एंड कलकत्ता, एंड इट वॉज ऑल्सो कॉल्ड वॉट, डिवीजन ऑफ हार्ट, हु वॉज खान अब्दुल कबार खान, ही वॉज द फ्रंटियर गांधी, प्रिंसली स्टेट कौन से थे, अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, रूल बाय द प्रिंसेस, कितने फ्री हुए, 565, हैदराबाद का हेड कौन था, निज़ाम वॉज देयर, मणिपुर के राजा कौन थे, बोधा चंद्र हुए, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट जो था वो स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन कब बना आपका, 1953 में, और स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट कब पास हुआ, 1956 में, कितने स्टेट्स बने, 40, कितनी यूटी बनी, 6, और उनके पूरे जो होल्स वो लीडर थे कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये आपका चैप्टर 1 है इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस का। आप चैप्टर को ऐसे रीड करें कि आपका ये पूरा बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाए, लाइन टू लाइन पर ही है, डू अंडरलाइन द थिंग्स, एमसीक्यूज के लिए वेरी कॉन्शियस रहिए, डोंट पुट द टिक लाइक दिस ओनली, यू नीड टू रीड द क्वेश्चन थॉरली, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, देन पुट द टिक, उसके बाद टिक करें आप, क्योंकि एक बार टिक करने के बाद दोबारा वो डिलीट नहीं होगा। तो आप इस तरह से हर चैप्टर को रीड करेंगे जो भी हमारे कोर्स में है, देन यू विल गेट द वेरी गुड मार्क्स, बिकॉज जो बच्चे पूरा रीड करते हैं थॉरली और लाइन टू लाइन पढ़ते हैं, दे विल गेट रियली गुड मार्क्स, क्योंकि उनको एमसीक्यूज का पूरा आइडिया हो जाता है जब चैप्टर को हम समझते हैं। तो आप बुक से पढ़ना मत भूलें, यहाँ हम करते हैं ओवरऑल एक व्यू देखते हैं चैप्टर का, क्योंकि रिविजन में 1-to-1 तो पढ़ नहीं रहे, बुक से भी लाइन टू लाइन नहीं पढ़ रहे, तो जब हम हमारा क्वेश्चन का पैटर्न चेंज हो गया, देन आर स्टडी पैटर्न शुड ऑल्सो बी चेंज, बिल्कुल आपको माइन्यूटली स्टडी करना है आपके बुक में से, जिससे कि आप किसी भी क्वेश्चन को मिस ना कर पाए। सो दैट्स ऑल फॉर द डे, डू रिवाइज प्रॉपरली, थैंक यू सो मच।